कोई क्लाइंट किसी नॉर्मल केस में फंस जाता है जिसमें बस डायरी एंट्री हुई हो, तो उस केस में जनरली उनको क्या करना चाहिए कि अगर एफआईआर तब तक दर्ज नहीं हुई है तो उस केस में क्या लीगल एडवाइस लेना सही रहेगा, कि या फिर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ बात करके ही, और वो जो एग्रीव पार्टी जो कंप्लेनेंट है उनके साथ बात करके उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर सेटलमेंट हो सकता है कंप्लेनेंट्स के थ्रू बात करके तो उसी टाइम कर लेनी चाहिए। अगर उसमें उनको कोई प्राइम नहीं देना पड़ रहा, सब लीगल वे से हो रहा हो और वहीं पे हो जाए तो कर लें। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं हमें एक एडवाइस की ज़रूरत है तो एक लॉयर के पास आना चाहिए। सर कभी कभी सेटलमेंट एक पल को दिख जाता है कि हो चुका है एंड उनको लगता है कि ये मामला सेटल हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अचानक से उठ के सामने आ जाता है, ऐसा बहुत केसेस में होता है। तो इन मामलों में आप क्या कहना चाहेंगे? इन मामलों में तो फिर ऑब्वियसली पहले लॉयर के पास आओ, ताकि लॉयर हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सेटलमेंट हो जाती है, उसमें दोनों पार्टियों के साइन होते हैं। तो अगर मान लो बाद में बैकआउट करेगा तो हमारे पास एक प्रूफ रहता है कि हाँ कि हमारी सेटलमेंट हो गई है, बात हो गई है।